ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी, तो ए बी क्या है, ये दोनों एंगल्स हैं ऑब्वियसली, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री, हमको प्रूफ करना है टेन ए प्लस टेन बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो देखिए इसको, अगर आपको ध्यान होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। तो ये आइडेंटिटी है जो हम यूज करेंगे, tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। तो देखिए हमारे पास a plus b is equal to 225, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। tan a plus b, अगर हम tan करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमको राइट हैंड साइड में भी tan करना पड़ेगा, tan 225 डिग्री। तो अब देखिए tan 225 डिग्री को हमको स्प्लिट करना होगा, कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 225 डिग्री को हमने 180 प्लस 45 भी क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हम जाते हैं 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 180 प्लस 45। अब देखिए 180 प्लस 45 कहाँ पर आएगा, 180 प्लस 45 आपका, आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 180 प्लस थीटा किया जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि टैन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव होता है। देखिए इसको हम सीधा लिख सकते हैं टैन 45 डिग्री, ठीक है, तो टैन 180 प्लस 45 कैन बी रिटन एज टैन 45 डिग्री, और टैन 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, tan a plus b, तो आप tan a plus b जो कि tan 225 था उसकी वैल्यू आ चुकी है 1। तो अब tan a plus b देखिए, इस फॉर्मूले से हम tan a plus b का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan a plus b का एक्सपेंशन है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम वैल्यू ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं 1, अब इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan a plus tan b इज इक्वल टू, अब ये पूरी की पूरी चीज़ उधर जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू समथिंग, तो वही रहेगा tan a tan b। अब आप देख सकते हैं tan a plus tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, एग्जैक्टली यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, तो ये हमने कर दी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, हमको प्रूफ करना है cos ब्रैकेट में पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस रूट 3 साइन x होल अपॉन 2। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos पाई बाई 3 प्लस x, तो ये किस फॉर्म में है हमारे पास, ये है cos a plus b के फॉर्म में, तो हमारे पास cos a plus b का फॉर्मूला होना चाहिए, cos a plus b होता है cos a cos b minus sin a sin b, तो cos a plus b का हमारे पास ये फॉर्मूला है, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b कहलाएगा, तो देखिए इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं cos pi by 3 plus x को, अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा cos pi by 3 cos x minus sin π
पाई बाई थ्री साइन एक्स। देखिए कॉस पाई बाई थ्री, अब देखिए पाई बाई थ्री आपका होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 होता है हाफ, तो उसकी वैल्यू हम लिख देंगे इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई थ्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 3 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 आपका रूट 3 बाई 2 होता है इंटू साइन एक्स। देखिए अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स अपॉन, एग्जैक्टली यही चीज़ है जो आपका राइट हैंड साइड में आपको रखना है। देयरफॉर LHS is equal to RHS. 2.